हेलो बच्चों, आज हमारा थर्ड लेक्चर है इन द चैप्टर यूनिट्स एंड डिमेंशंस। और इसके पहले जो दो लेक्चर हुए थे उसमें हमने बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स डिस्कस किए थे, तो उन कॉन्सेप्ट्स के बेसिस पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। हमारा पहला क्वेश्चन है, अ फिजिकल क्वालिटी इज मेजर्ड एंड द रिजल्ट इज एक्सप्रेस्ड एज एन यू, वेयर यू इज द यूनिट यूज्ड एंड एन इज द न्यूमेरिकल वैल्यू। पहले सेंटेंस का मीनिंग समझते हैं। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि आप जब भी कोई मेजरमेंट करते हो, मेजरमेंट का एग्जांपल लेते हैं, मान लो मैंने किसी ऑब्जेक्ट की लेंथ मेजर की, ठीक है, तो तुम्हारी लेंथ कितनी आएगी। मान लो तुम्हारी लेंथ आ गई 3 मीटर, करेक्ट। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यहाँ पे जो एन है वो है न्यूमेरिकल वैल्यू यानी कि 3, और यू इज द यूनिट यूज्ड यानी कि मीटर, तो मैं इसको लिख सकता हूं एन यू। ओके, तो आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ द रिजल्ट इज एक्सप्रेस इन वेरियस यूनिट्स देन एन प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ यू, पॉसिबल है क्या, एन प्रोपोर्शनल टू यू स्क्वायर, एन प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ यू, या फिर एन प्रोपोर्शनल टू 1/u। 1/1 ऑप्शंस का मीनिंग समझते हैं। प्रोपोर्शनल मतलब कि भाई सामने की क्वांटिटी बढ़ेगी तो इधर की क्वांटिटी भी बढ़नी चाहिए। तो जैसे तुम्हारा फर्स्ट ऑप्शन बोल रहा है कि साइज ऑफ यू के प्रोपोर्शनल है एन, मतलब अगर मैंने बड़ा यूनिट यूज किया तो एन भी तुम्हारा इंक्रीज करेगा, समझे। ये बोल रहा है कि अगर मैंने बड़ा यूनिट यूज किया तो उसके स्क्वायर के बराबर तुम्हारा एन इंक्रीज होगा। ये बोल रहा है कि अगर मैंने बड़ा यूनिट यूज किया तो उसके स्क्वायर रूट के बराबर तुम्हारी एन की वैल्यू इंक्रीज करेगी। और फोर्थ ऑप्शन क्या बोल रहा है, यहां पे u है तुम्हारा डिनोमिनेटर में, मतलब अगर मैंने u बढ़ाया तो ये फ्रैक्शन डिक्रीज करेगा, फ्रैक्शन डिक्रीज करेगा तो n की वैल्यू भी डिक्रीज करेगी। तो तुम्हें क्या लगता है, सोचो। देखो, लेट्स ट्राई, मैं 3 मीटर को क्या 300 सेंटीमीटर लिख सकता हूं क्या, है ना। तो यहां पे मैंने यूनिट के साथ क्या किया है, मीटर बड़ा यूनिट है और सेंटीमीटर छोटा यूनिट है, तो तुम न्यूमेरिकल वैल्यू को ऑब्जर्व करो क्या हो रहा है, बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई। तो जरा इस पे सोच के देखो, अगर मैंने यूनिट की वैल्यू इंक्रीज कर दी या यहां पे मैंने जैसे डिक्रीज कर दी, है ना, मैं मीटर से गया सेंटीमीटर में, मीटर बड़ा यूनिट है सेंटीमीटर छोटा यूनिट है, तो मैंने u की वैल्यू डिक्रीज की, तो तुम्हारा जो न्यूमेरिकल वैल्यू उसको जरा ऑब्जर्व करो क्या वो इंक्रीज कर रहा है, मतलब u के डिक्रीज होने से n इंक्रीज करेगा और u के इंक्रीज होने से n डिक्रीज करेगा। तो ऐसा इन चारों में से कौन से ऑप्शन में पॉसिबल है, ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर 4, तो इसे तुम्हारा वही हो जाएगा करेक्ट आंसर। ओके, अब बच्चों हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, ये क्या बोल रहा है, इफ u1 एंड u2 आर द यूनिट्स सिलेक्टेड इन टू सिस्टम्स ऑफ मेजरमेंट एंड n1 एंड n2 आर देयर न्यूमेरिकल वैल्यूज, देन अगेन चार ऑप्शन गिवन है। पहली बात तो ये पिछले क्वेश्चन जैसा ही कि तुम्हारा जो यूनिट है, है ना, जैसे मान लो मैं लिखूं लेंथ इक्वल टू 3 मीटर, तो तुम्हारा यूनिट क्या हो गया मीटर और n क्या हो गया 3 के बराबर। तो अगेन n और u दिए हैं लेकिन दो, n1 n2 u1 u2, तो उन्होंने पूछा क्या होगा, तो चार ऑप्शन है, n1 u1 equal to n2 u2, n1 u1 plus n2 u2 equal to 0, n1 n2 equal to u1 u2 or n1 plus u1 equal to n2 plus u2। तो कौन सा ऑप्शन मार्क करेंगे, एग्जांपल से देखते हैं। मैं 3 मीटर को 300 सेंटीमीटर लिख सकता हूं क्या। अब ये क्या है, तुम्हारे मेजरमेंट की वैल्यू n1 विथ द यूनिट u1, u1 तुम्हारा यहाँ पे मीटर है, और ये क्या है तुम्हारा n2 लिख सकते हैं क्या, है ना, और सेंटीमीटर तुम्हारा क्या हो जाएगा, सेकंड यूनिट हो जाएगा u2। तो मुझे क्या मिल रहा है, n1 u1 इक्वल टू n2 u2 हो रहा है। तो सिंपल सी बात है, हम ऑप्शन मार्क करेंगे कौन सा, ऑप्शन 1, खत्म। अब बारी आती है थर्ड क्वेश्चन की, तो ये क्या बोल रहा है, एज शोन इन द डायग्राम व्हाट इज द लेंथ ऑफ द आर्क l। तो क्वेश्चन क्या दिखा रहा है हमें कि यहाँ पे एक सर्कुलर आर्क है जिसकी वैल्यू L हमें पता करनी है। ये सर्कुलर आर्क का रेडियस हमें गिवन है कैपिटल R, और ये जो आर्क है ना वो कितना एंगल बना रही है सेंटर पे, 0.9 डिग्रीज। कैसे करेंगे बच्चों, तो यहाँ पे हमें फॉर्मूला यूज करना होगा एंगल इन रेडियंस का,
क्या फॉर्मूला कि अगर आपका थीटा मैं लेता हूँ इन रेडियंस तो वो बराबर होता है एल डिवाइडेड बाय आर के, ये फॉर्मूला हमने सीखा था। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि एल तुम्हारा थीटा आर होना चाहिए, लेकिन कंडीशन क्या, कंडीशन ये कि आपका थीटा होना चाहिए रेडियंस में, तो हमें यहाँ पे कन्वर्शन लगाना होगा, है ना। आपका एंगल दिया हुआ है डिग्रीज में, हमें उसको कन्वर्ट करना है रेडियंस में, तो कैसे करेंगे, सिंपल है। आपका जो थीटा होता है बच्चों, है ना, ये हम सीधे लिखें कि पाई रेडियंस कितना होता है, इसका उल्टा लिखते हैं, तुम्हारा 180 डिग्री कितना होता है पाई रेडियंस के बराबर, तो 0.9 डिग्री कितना होगा पाई बाय 180 इंटू 0.9, खत्म, इसी को सॉल्व करना है, है ना। तो इसको अगर सिंप्लीफाई करो, ठीक है, अगर मैं यहां से डेसिमल हटा दूं, ये वाला डेसिमल हटा दूं, तो मुझे क्या मिलेगा पाई इंटू 9, तो मुझे नीचे एक और जीरो ऐड करना पड़ेगा, ये बन गया, अब इसको काटो तो 9 इंटू 2 18, तो पाई बाय 200 बचा, तो मुझे थीटा की वैल्यू मिल चुकी है बच्चों पाई बाय 200, करेक्ट। तो बस यहाँ पे हम इसमें डाल देते हैं एल के फॉर्मूला में, तो ये आपका हो जाएगा बच्चों पाई बाय 200 इंटू आर, दैट्स इट, ठीक है, थीटा हो गया पाई बाय 200 इंटू रेडियस करना है, तो हमारा ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, करेक्ट आंसर। अब बच्चों फोर्थ क्वेश्चन क्या करेंगे, फोर्थ क्वेश्चन बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स कैन नॉट एंटर इनटू द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल क्वालिटीज इन एनी सिस्टम ऑफ यूनिट्स। यहाँ पे चार ऑप्शन गिवन है, हर एक ऑप्शन में तीन फिजिकल क्वांटिटीज हैं, जैसे यहाँ पे लेंथ मास और वेलोसिटी है, लेंथ टाइम एंड वेलोसिटी, मास टाइम एंड वेलोसिटी और लेंथ टाइम एंड मास। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो कि फंडामेंटल क्वांटिटीज का सेट नहीं बना सकता, उसके लिए बच्चों आपको जो कॉन्सेप्ट यूज करना है वो ये है। देखो फंडामेंटल क्वांटिटी पहले समझो क्या है, फिजिकल क्वांटिटीज बहुत सारी हैं, लेकिन वो सारी जो है ना सिर्फ 7 फिजिकल क्वांटिटीज के थ्रू डिराइव की जा सकती हैं, मतलब हमें 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज चाहिए। अब क्योंकि बाकी क्वांटिटीज इन 7 से डिराइव हो रही हैं, मतलब ये 7 जो हैं एक दूसरे के थ्रू डिराइव नहीं हो सकती हैं, है ना, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज एक दूसरे के थ्रू डिराइव नहीं हो सकती, वही हमें नोट करना है यहां पे, फंडामेंटल क्वांटिटीज कैन नॉट बी डिराइव्ड, ठीक है, कैन नॉट बी डिराइव्ड फ्रॉम ईच अदर। तो बस अब सोचो, तो पहला ऑप्शन आता है लेंथ मास और वेलोसिटी। अब देखो जरा पहले ऑप्शन को हम सोचें, तो तुम्हारा लेंथ है मेरे पास, मास है, और वेलोसिटी को मैं लेंथ बाय टाइम लिख सकता हूं क्या, तो अब जरा सोचो क्या मैं लेंथ और मास यूज करके वेलोसिटी डिराइव कर सकता हूं, नहीं, मुझे टाइम की जरूरत पड़ेगी। सिमिलरली मैं मास और वेलोसिटी यूज करके लेंथ डिराइव कर सकता हूं क्या, तुम बोलोगे सर यस, यहां पे तो लेंथ गिवन है, मैं बोलूंगा नो, क्योंकि यहां पे तुम्हारे पास है स्पीड जिसमें दो फैक्टर्स हैं लेंथ और टाइम, और यहां पे तुम्हारे पास है मास, तो सिर्फ इन दोनों को यूज करके मैं लेंथ डिराइव नहीं कर सकता, क्योंकि मास और टाइम कैंसल आउट नहीं होंगे, किसी भी फॉर्म में कैंसल आउट नहीं हो सकते, ठीक है, तो ये तीनों एक दूसरे के हो गए इंडिपेंडेंट, तो ये तुम्हारा फंडामेंटल बन सकता है, ठीक है, तो मैं यहां पे लिख दूंगा यस दिस कैन बी फंडामेंटल सेट। सेकंड ऑप्शन देखते हैं, लेंथ टाइम एंड वेलोसिटी है, अब जरा यहां पे देखें, लेंथ के लिए मैं एल लिख दूं, टाइम के लिए टी लिख दूं, और वेलोसिटी के लिए एल बाय टी। अब सोचो क्या हो रहा है, लेंथ और टाइम यूज करके क्या मैं वेलोसिटी डिराइव कर सकता हूं, बिल्कुल यस, अगर मैं लेंथ और टाइम को डिवाइड कर दूं, है ना, एल बाय टी करूं, तो ये तो वेलोसिटी आ गई, तो ये तुम्हारा फंडामेंटल क्वांटिटी का सेट नहीं बन सकता है। तो बस मुझे यही ऑप्शन टिक करके आना है, क्योंकि इन्होंने पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट एंटर द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज, ठीक है। अब ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं एग्जाम में, इसलिए मैं इसको कर देता हूं स्टार मार्क,
ठीक है, क्या बोल रहे हैं कि व्हेन यूनिट्स ऑफ मास लेंथ एंड टाइम आर टेकन एज 10 किलोग्राम 60 मीटर एंड 60 सेकंड्स रेस्पेक्टिवली द न्यू यूनिट ऑफ एनर्जी बिकम्स एक्स टाइम्स द इनिशियल एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। यहां क्या बोला जा रहा है कि मैंने जो मास का यूनिट है ना, एक नया यूनिट बनाया है जो कि 10 किलोग्राम्स के बराबर है। मान लो मैंने मास का यूनिट ले लिया, लेट्स से पी, जो नया यूनिट है मास का वो है पी, तो बोला जा रहा है कि पी इक्वल टू 10 किलोग्राम है, 1p इक्वल टू 10 किलोग्राम। ऐसे ही लेंथ का भी एक नया यूनिट बनाया गया है जिसका नाम मान लो मैंने ले लिया क्यू, तो बोला जा रहा है कि 1q इज इक्वल टू 60 मीटर्स, और टाइम का जो यूनिट क्या दिया है 60 सेकंड, ये तो हमको ऑलरेडी पता है ये कितना है आपका, 1 मिनट के बराबर है, तो इसको मैं अलग से नहीं लिखता, तो 1 मिनट इज 60 सेकंड्स, ठीक है। तो बोला जा रहा है कि न्यू यूनिट्स के सेट को यूज करके अगर मैं एनर्जी का यूनिट बनाऊं तो वो एनर्जी का यूनिट ऐसा यूनिट से कितना बड़ा होगा, ठीक है। तुम्हारा ऐसा यूनिट ऑफ एनर्जी क्या है, जूल्स, ठीक है, और मैं एनर्जी का मान लो नया यूनिट बोल दूं ई है, तो 1E इक्वल टू एक्स जूल्स, ये तुम्हारा ऐसा यूनिट ऑफ एनर्जी जूल्स है, तो एक्स की वैल्यू हमें पता करनी है। बहुत ईजी है, कैसे करेंगे समझो, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हारा 1 जूल कितना होता है बच्चों, 1 जूल होता है 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। अब बस हमने जो यूनिट कन्वर्जन सीखा था उसको 1 by 1 लगाते जाना है। तो आपका 1 किलोग्राम कितना है, 1p इज 10 किलोग्राम, तो दैट मीन्स 1 किलोग्राम आपका हो जाएगा 1 by 10p, ठीक है, 1 किलोग्राम विल बी 1 by 10p। सिमिलरली 1 मीटर कितना है, 60 मीटर 1q है, तो 1 मीटर कितना होगा, 1 by 60 times q, तो मैं यहां पे लिख सकता हूं 1 by 60 times q डिवाइडेड बाय, अब 1 सेकंड कितना होगा, 1 सेकंड आपका होता है 1 by 60 ऑफ अ मिनट, ठीक है, और मुझे टाइम पे भी स्क्वायर करना है, लेंथ पे भी स्क्वायर करना है, यहाँ पे पावर 2 लगेगी और टाइम पे भी पावर 2 लगेगी। अब बस इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। तो ये 10 को अपन भेज देते हैं डिनोमिनेटर में, राइट, ये 10 आपका जाएगा नीचे, ये 60 की भी 2 बार आया है वो जाएगा नीचे, तो इंटू 60 इंटू 60, और ये जो 60 है ये डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर, तो ये जाएगा ऊपर, तो ऊपर आ जाएगा 60 into 60, 2 बार क्यों, क्योंकि यहां पे हमने स्क्वायर किया हुआ है, और मुझे क्या मिलेगा बाकी, पी क्यू स्क्वायर बाय मिनट का स्क्वायर, ठीक है। अब बहुत आसान है बच्चों, ये 60 कट गया और ये 260 भी कट गए, है ना, मेरे पास क्या बचा, 1 by 10 pq स्क्वायर बाय मिनट स्क्वायर, ये आपका 1 जूल इक्वल टू उसके बराबर है, मैं लिख सकता हूँ 1 जूल इक्वल टू 1 by 10, और ये पूरा आपका एनर्जी का नया यूनिट बन गया इस सिस्टम में जिसको मैंने बोल दिया नाम E। तो आपका 1 जूल इक्वल टू 1 by 10 E, या फिर मैं लिख सकता हूँ कि 10 इंटू 1 जूल इक्वल टू 1 E, करेक्ट, तो बेसिकली आपका 10 जूल इक्वल टू E हो गया, तो यहाँ पे X की वैल्यू बच्चों क्या हो गई, X की वैल्यू आपकी हो जाएगी 10, तो मैं ऑप्शन A मार्क कर दूंगा। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये है हमारी जो बुक है कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स बाय प्रोफेसर HC वर्मा, उसका क्वेश्चन है ये, क्या बोल रहा है कि डायमेंशनलेस क्वांटिटी, डायमेंशनलेस क्वांटिटी का पहले एग्जांपल याद करो क्या होता है, एक तो आपका परसेंटेज हो गया, दूसरा हो गया आपका एंगल, तीसरा हो गया आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं, ठीक है। तो क्या बोला जा रहा है कि डायमेंशनलेस क्वांटिटी नेवर हैज अ यूनिट, उसके पास यूनिट होता ही नहीं है, या फिर ऑलवेज हैज अ यूनिट, या मे हैव अ यूनिट, या डज नॉट एग्जिस्ट। अब सोचो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। पहली बात तो डज नॉट एग्जिस्ट तो हो नहीं सकता, क्योंकि ऑब्वियसली एंगल हो गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया, वो क्या है, डायमेंशनलेस क्वांटिटीज है, तो ये ऑप्शन तो गलत है। उसके पास यूनिट कभी भी नहीं होगा, नेवर मतलब कभी भी नहीं, ऐसा होता है क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के पास यूनिट नहीं है, लेकिन अगर आप देखो एंगल, तो एंगल का यूनिट है रेडियंस डिग्रीज, परसेंटेज उसका यूनिट है परसेंट, है ना, देन और भी बहुत सारे एग्जांपल हैं जहां पे यूनिट होते हैं या नहीं होते हैं, तो नेवर तो हम नहीं बोल सकते, तो ये भी गलत हो गया। ऑलवेज हैज अ यूनिट,
एंगल के पास यूनिट है लेकिन क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के पास यूनिट है? नहीं, तो ऑलवेज भी नहीं बोल सकते। तो यूनिट हो सकता है या नहीं हो सकता, तो हमारे पास आ जाएगा मे और मे नॉट हैव अ यूनिट, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी। अब ये भी बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये पिछले क्वेश्चन के जैसा ही है लेकिन थोड़ा ट्विस्ट है। यहां बोला जा रहा है कि यूनिटलेस क्वांटिटी की बात की जा रही है, ठीक है। तो पहली बात तो यूनिटलेस क्वांटिटी क्या है, एग्जांपल्स लें, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका हो गया यूनिटलेस, है ना। और कोई एग्जांपल है क्या बच्चों? यस, रिलेटिव डेंसिटी, ये आप में से किसी किसी बच्चे को तो पता होता ही, बहुत आसान है। रिलेटिव डेंसिटी मतलब डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, ऑब्जेक्ट की डेंसिटी डिवाइडेड बाय वाटर की डेंसिटी, वो हो गया रिलेटिव डेंसिटी। और एक एग्जांपल हो गया कॉफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन, जो कि आप आगे पढ़ने वाले हो, ठीक है। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, स्ट्रेन हो गया, ठीक है। ये एग्जाम्पल है यूनिटलेस क्वांटिटी का, ठीक है। तो इनको जरा आप ऑब्जर्व करो, ये यूनिटलेस क्वांटिटी क्या है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका है बच्चों स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, तो स्पीड अपॉन स्पीड, है ना, ठीक है। तो स्पीड डिवाइड बाय स्पीड से वो डिफाइन होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, वो एक रेशियो है क्या? इट्स अ रेशियो। और क्योंकि स्पीड के डायमेंशंस कट जाएंगे तो क्या वो डायमेंशनलेस होगा? बिल्कुल यस, है ना, ये तुम्हारा डायमेंशनलेस होगा। एग्जाम्पल है रिलेटिव डेंसिटी का, तो रिलेटिव डेंसिटी भी क्या है, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, तो अगेन ये डेंसिटी और डेंसिटी का रेशियो है, सो अगेन दिस इज अ रेशियो, और अगेन तुम्हारा ये क्या होगा, डायमेंशनलेस क्वांटिटी बन जाएगी, राइट। कॉफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन की बात करें बच्चों, तो ये एक्चुअली फोर्स बाय फोर्स का रेशियो होता है। कौन सी फोर्स, ये आप लोग बाद में सीखोगे, ठीक है। दो अलग अलग फोर्स हैं, कौन सी हैं बाद में सीखोगे, राइट। तो अगेन ये तुम्हारा क्या है, रेशियो, और अगेन ये भी तुम्हारा होगा डायमेंशन लेस। स्ट्रेन की बात करें तो ये तुम्हारा होता है चेंज इन लेंथ, है ना, चेंज इन लेंथ डेल्टा एल बाय ओरिजिनल लेंथ। ऐसे ही और भी एग्जाम्पल है स्ट्रेन के, फिलहाल मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूं। तो ये अगेन क्या है तुम्हारा बच्चों, लेंथ बाय लेंथ, क्या है, लेंथ बाय लेंथ, सो अगेन दिस इज अ रेशियो, और ये भी क्या है, डायमेंशन लेस। इसका अपोजिट सोचो बच्चों, ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिनके पास यूनिट है, तो हमारे पास पहला तो है जैसे स्पीड हो गया, दूसरा हो गया फोर्स हो गया। तो अगर आप सोचो, स्पीड का हम डायमेंशन निकाल सकते हैं क्या? यस, स्पीड का डायमेंशन एल बाय टी होगा, है ना। फोर्स का डायमेंशन, यूनिट क्या होता है और डायमेंशन क्या होता है, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यूनिट है, तो डायमेंशन हो जाएगा एम एल टी माइनस टू, ठीक है। तो जिन फिजिकल क्वांटिटीज के पास यूनिट है उनके पास डायमेंशन है, और जिनके पास यूनिट नहीं है वो हमेशा डायमेंशनलेस होंगी, क्योंकि अगर यूनिट नहीं है मतलब उसमें किलोग्राम मीटर टाइम केल्विन यानी कि टेम्परेचर का यूनिट एम्पियर कोई भी यूनिट नहीं लग सकता। हमने क्या पढ़ा था कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी सेवन बेस क्वांटिटी से डिराइव कर सकते हैं, तो जिसका यूनिट नहीं है वो सेवन बेस क्वांटिटी से रिलेट होगा कि यूनिट के थ्रू नहीं होगा, तो उसके पास डायमेंशंस नहीं होंगे, वो सारे क्या होंगे, डायमेंशनलेस। तो बस उस हिसाब से हमें ऑप्शन को मार्क करना है। पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है, नेवर हैज अ नॉन जीरो डायमेंशन, काफी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। पहली बात, डायमेंशन की बात की जा रही है, फिर बोला जा रहा है नॉन जीरो डायमेंशन। नॉन जीरो डायमेंशन मतलब जिसके डायमेंशन जीरो नहीं है, तो तुम्हारा इतना ये पार्ट बोल रहा है नॉट डायमेंशनलेस, ठीक है। इस एक्सप्रेशन का मीनिंग यह है नॉट डायमेंशनलेस, लेकिन नेवर हैज, इसके पास नहीं है क्या, नॉट डायमेंशनलेस। तो नहीं और नहीं कट गए आपस में, तो बेसिकली पहला सेंटेंस बोल रहा है कि वो डायमेंशनलेस है, तो यस ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऑप्शन बी क्या बोल रहा है, ऑलवेज हैज नॉन जीरो डायमेंशंस, मतलब इट इज नॉट डायमेंशनलेस ऑलवेज, तो वो कभी भी डायमेंशनलेस नहीं, ऐसा हो सकता है क्या, नहीं, तो ये गलत हो गया। थर्ड बोल रहा है मे हैव अ नॉन जीरो डायमेंशन, मे की बात तो है नहीं, डेफिनेटली ऑप्शन ए करेक्ट कर देंगे, ठीक है। थोड़ा कंफ्यूजिंग सेंटेंस है बट समझ गया आई होप, ओके। अब बच्चों ये क्वेश्चन देखो, चूज द करेक्ट ऑप्शन अमंग द गिवन फोर। पहला सेंटेंस बोल रहा है अ डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन मे बी करेक्ट, ऐसा पॉसिबल है क्या, डेफिनेटली। अगर मैं बोलूं
कि काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर होना चाहिए। तो इसका तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जो डायमेंशन लेफ्ट में बनेंगे वही डायमेंशन राइट में भी बनेंगे। तो ये तुम्हारी इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है और ये करेक्ट इक्वेशन है, तो यस इट मे बी अ करेक्ट इक्वेशन। जो इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है वो करेक्ट हो सकती है। सेकेंड ऑप्शन बोल रहा है अ डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन मे बी इनकरेक्ट। एक इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है पर वो इक्वेशन करेक्ट नहीं है, ऐसा हो सकता है क्या? डेफिनेटली हो सकता है। अगर मैं एग्जाम्पल लूँ बच्चों, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू बोलूँ एम वी स्क्वायर, क्या ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है? डेफिनेटली, क्योंकि मैंने बस एक नंबर गायब किया है और कुछ नहीं, ठीक है। तो ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है पर क्या ये काइनेटिक एनर्जी का करेक्ट फॉर्मूला है? नहीं। तो अ डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन, ये डायमेंशनली करेक्ट है बट इट मे बी इनकरेक्ट, लेकिन ये है तो अल्टीमेटली इनकरेक्ट फॉर्मूला ना, तो यस ऑप्शन बी भी तुम्हारा करेक्ट हो सकता है। अ डायमेंशनली इनकरेक्ट इक्वेशन मे बी करेक्ट। ओके, इसको चेक करते हैं। अगर मैं लिखूं काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एम वी, क्या ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है? नहीं, क्योंकि लेफ्ट में आपके पास आएगा एम, है ना, लेफ्ट में आपके डायमेंशन क्या बनेंगे? एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, राइट। और राइट साइड में आपके डायमेंशन क्या बनेंगे? इसके लिए मास आ जाएगा एम और वेलोसिटी क्या हो जाएगा? एल टी इनवर्स, ठीक है, एल टी इनवर्स। तो ये डायमेंशन लेफ्ट राइट में और ये लेफ्ट में जो डायमेंशन है क्या वो दोनों इक्वल हैं? नहीं। तो ये इक्वेशन करेक्ट हो सकती है क्या? ऑब्वियसली नो, ठीक है। तो ये तुम्हारा नहीं ले सकते हम, दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। लास्ट बोल रहा है अ डायमेंशनली इनकरेक्ट इक्वेशन मे बी इनकरेक्ट। यहां पे मे बी की जरूरत नहीं है, हमेशा इनकरेक्ट होगा। अगर आपका फॉर्मूला डायमेंशनली गलत है तो वो फॉर्मूला डेफिनेटली गलत है, ठीक है। तो आपके करेक्ट स्टेटमेंट यहां पे हो गए ए बी और डी। ओके बच्चों, अब ये जो क्वेश्चन है ना आपके पास, ये बहुत ही फंडामेंटल क्वेश्चन है, ये आपके ना एकदम बेसिक नॉलेज को टेस्ट कर रहा है वो कितनी स्ट्रांग है। क्या बोल रहा है कि इफ ए एंड बी आर टू फिजिकल क्वांटिटीज हैविंग डिफरेंट डायमेंशंस, इस वर्ड को हम अंडरलाइन करते हैं डिफरेंट डायमेंशंस, ठीक है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग कैन डिनोट अ फिजिकल क्वांटिटी। अगर दो फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशंस अलग अलग हैं तो हम उनको कैसे ऑपरेट कर सकते हैं? पहला ऑप्शन बोल रहा है कि हमारी फिजिकल क्वांटिटी ए प्लस भी हो सकती है क्या? याद करो मैंने क्या बोला था, कि मैंने कुछ रूल्स बताए थे डायमेंशनल एनालिसिस के, कि जो फिजिकल क्वांटिटीज आप ऐड कर रहे हो उनके डायमेंशन सेम होने चाहिए, यानी कि जिनके डायमेंशंस अलग हैं वो ऐड नहीं हो सकती। तो यहाँ पे ए और बी जो आपके वो ऐड नहीं हो सकते क्योंकि उनके डायमेंशंस अलग अलग हैं। सिमिलरली यहाँ पे बात की जा रही है ए माइनस बी की, तो उनके डायमेंशन अलग हैं वो, इसलिए वो सब्ट्रैक्ट भी नहीं हो सकते। लेकिन क्या मैं उन दोनों को डिवाइड कर सकता हूँ? बिल्कुल यस। एग्जाम्पल लें, अगर मैं स्पीड और स्पीड क्या आपका लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम, तो लेंथ और टाइम दो अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज है लेकिन हम उनको डिवाइड कर रहे हैं, तो यस ऑप्शन थ्री पॉसिबल है। अब बात की जाए ऑप्शन फोर की, क्या वो करेक्ट है? सोच के देखो, ये बड़ा इंटरेस्टिंग वाला है। पहली बात तो यहाँ पे ई एक नंबर है, उसको फिलहाल साइड में रखो, इग्नोर करो। ए बाय बी जो है वो ई के एक्सपोनेंट में है, पावर में है। अब अगेन याद करो मैंने आपको क्या रूल्स बताए थे। एक रूल मैंने ये बोला था कि जो भी वैल्यू एक्सपोनेंट में है वो होनी चाहिए डायमेंशनलेस। इसका मतलब ये कि आपका यहाँ पे ये जो एक्सप्रेशन है वो एक्सपोनेंट में है, वो पूरा एक्सप्रेशन क्या है? एक्सपोनेंट, करेक्ट। इसका मतलब डायमेंशन ऑफ ए बाय बी शुड बी वन, वो डायमेंशनलेस होना चाहिए। लेकिन जैसा क्वेश्चन बोल रहा है कि ए और बी के डायमेंशंस अलग अलग हैं, तो ए बाय बी में उनके डायमेंशन कट सकते हैं क्या? नहीं। तो इसलिए एक्सपोनेंट में ए बाय बी पॉसिबल नहीं है। सिर्फ ए बाय बी पॉसिबल है लेकिन एक्सपोनेंट में ए बाय बी पॉसिबल नहीं है। तो काफी बढ़िया क्वेश्चन है बच्चों ये, तो ऑप्शन फोर भी आपका हो जाता है गलत, ठीक है।